नमस्कार, मैं दुर्गा साहू और आप सभी का स्वागत है एक बेहद ही खूबसूरत से वीडियो में। तो हालांकि अभी हम लोग भटकते भटकते किसी अनजान रास्ते अनजान जगह पहुंच गए थे। हमें आना था बानाछा वाटरफॉल, जो काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल मेरे सामने ही दिखाई दे रहा है। बस दिक्कत इस बात की है कि सामने से धूप है, तो मैं बहुत सारा व्यू जो है, बहुत अच्छा व्यू जो है, मैं यहाँ से दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी काफ़ी ऊँचाइयों से गिर रहा है पहाड़ के बीचों बीच। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बड़हर, बड़हर गांव है ना, हम बड़हर पहुंच चुके हैं। तो आप लोगों को अगर आना है तो आपको किरण घाट के पहले ही जो है बड़हर गांव मिलेगा। राइट साइड रास्ता कटता है सैडोल से, आते हुए सैडोल बुढ़ार की ओर से आएंगे तो टोल प्लाजा के पास ही बड़हर के लिए रास्ता जो है आया हुआ है। बड़हर पहुँचने के बाद जो है आप लोकेशन के माध्यम से नहीं पहुँच सकते हैं, आप गाँव में आके और लोगों से पूछ के, स्थानीय लोगों से पूछ के ही यहाँ पहुँच पाएंगे। हालांकि बड़हर गांव पहुँचते ही आप लोगों को व्यू जो है वो देखने को मिलता है। फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ, लेकिन समस्या इस बात का है कि आगे लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर का रास्ता जो है बिना रास्ता का है। वहीं जाने का कोई संभावना नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। तो गाड़ी अब हम भैया के घर के सामने यहाँ खड़ा कर दिए हैं और इनका एक बच्चा है जो अभी नहा के आया है, तो उनके साथ हम अभी चलेंगे, वो हमें लेके जाएंगे। स्थानीय लोग हैं तो इनको ज़्यादा जानकारी होगा कि कहाँ पे क्या है और किधर रास्ता है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो होने वाला है। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बगल में घंटी है उसे भी ऑल पर दबा के सेट कर लीजिए, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये भैया आ गए हैं, छोटे भाई साहब, ये हमारे साथ जाएंगे आज। क्या नाम है अभी आपका? पुष्पराज सिंह। पुष्पराज हमारे साथ हैं, पुष्पराज सिंह। पुष्पराज सिंह जो है यहाँ के लोकल हैं, यहीं बगल में इनका घर है। और ये हम लोगों को ले कर चलेंगे मेन व्यू के अड्डे तक, जहाँ पे झरना गिर रहा है वहाँ तक हमें पहुँचाएँगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और पुष्पराज सिंह के साथ हम जा रहे हैं। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? कौन सा क्लास? नौवीं। नौवीं कक्षा में ये पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं और इनका साथ चाहिए होगा तो कितने बजे से कितने बजे तक, मान लो अगर कोई मिलता है आपको, बोलेगा कि भाई मेरे को भी ले चलो, तो पहुँचाने का वहाँ दिखाने का आप एक चार्ज रख सकते हो कुछ, है ना, कि मैं इतना लूँगा, है ना, तो एक पॉकेट मनी भी मिलता रहेगा। तो बताओ कि कितने बजे से कितने बजे तक आप मिल सकते हो, अगर कोई आएगा घूमने तो उनको दिखा सकते हो लेके। एक दो बजे से शाम तक, है ना, इधर 4-5 बजे तक। तो 1 बजे से अगर आप लोग नए हैं और वहाँ उस अड्डे तक पहुँचना है तो 1 बजे के लगभग अगर आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको ये भैया मिल जाएंगे। और पुष्पराज सिंह आप नाम पूछ लीजिएगा तो ये आपको एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुँचाएंगे और दिखा देंगे, समझा देंगे कहाँ पे क्या व्यू बनता है और कैसा दिखता है। तो आप लोग वीडियो लास्ट तक बने रहिए। ट्रैकिंग है, लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। 1.5 किलोमीटर हम अभी पैदल चल रहे हैं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई गाड़ी नहीं जाती है, पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या होता है और क्या क्या मिलता है। ये किरण घाटी के ऊपर से जो है नौगई गांव है, नौगई गांव का ही खेतों का पानी आता है इसमें, है ना, और बरसाती नाला है ये, बरसात में ही ये व्यू जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वही पानी निकल के आ रहा है, ये नीचे आप देख सकते हैं। गर्मी के समय पे यहाँ आने का कोई विशेष रीज़न रहेगा नहीं, क्योंकि गर्मी में सूखा रहता है, यहाँ पानी नहीं रहता। क्यों पुष्पराज भाई? हाँ। पानी नहीं रहता नहीं गर्मी में, यहाँ गर्मी में पानी नहीं रहता। तो अगर आप आते हैं कभी भी तो बरसात के टाइम पे आएँ, बरसात होने के बाद आएँ, ठंडी में आप आ सकते हैं। अभी हालांकि पानी बढ़िया है, काफ़ी पानी आ रहा है। हमारा जूता उता काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। ये देखो ये रास्ता है शानदार वाला, इसी रास्ते से होते हुए हम लोगों को जाना है। चलो ये देखो, नया आदमी, अनजान आदमी यहाँ आके भटक जाएगा। अब यहाँ से रास्ता ही दिखाई नहीं देता और बहुत पतला सा
पगडंडी रास्ता है जो इस पौधे के बीचों बीच से है। बरमसिया है ये, रामफूल भी इसे कहते हैं। इन्हीं के बीचों बीच जो है आप लोगों को आना जाना पड़ेगा। ये देखो जबरदस्त वाला इंटरनेशनल रास्ता है ये। तो अगर आप लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं, जंगलों में घूमना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इस जगह पे आइए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं अभी और जिस हिसाब से रास्ता है, अंदाज़ा हो ही गया होगा। सर क्या है माहौल? बढ़िया है। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया, गजब का रास्ता है। नहीं ये देखो ऐसा रास्ता है भाई साहब, अब अगर है हिम्मत तो ज़रूर आना। और नहीं है हिम्मत तो बस मेरा वीडियो देख लेना और इतने में खुश रहना। अब क्या बताऊँ इससे ज़्यादा मैं। अरे एक नंबर का सीन है, थोड़ा हाँ और जल्दी आना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये जंगली सुगर का है क्या? ये खुदाई हुआ है ना? तो लगभग अब हम अपने लोकेशन पे बस पहुंचने ही वाले हैं। 4 बज गए। पूरी बाबा आप लोगों ने थोड़ा समय अच्छा चीज़ दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने पत्तल देखा होगा शहर में, जो पत्तल आता है ये किस पत्तल का बनता हुआ मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है वो, ये देखिए इसी का जो है पत्तल बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, इसी पत्ते का जो है पत्तल बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। ये काफ़ी मात्रा में है। चलिए काफ़ी अच्छा चीज़ है, भाई साहब ने हमें बताया कि ये वही है जिसका पत्तल बनता है। तो हम लोग भी देख लिए, आप लोगों को भी दिखा दिया और बस हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद रास्ता आप देख सकते हैं, इसी रास्ते से होके हम अभी यहाँ पहुंचे हैं। मतलब आप देख कर खुश हो जाएंगे, इतना ज़बरदस्त व्यू है। तो मेरे तो पसीने यार, लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने तय किया है और व्यू यहाँ से काफ़ी खूबसूरत बनता है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। तो मैं आप लोगों को ये विहंगम दृश्य जो है, ये नज़ारा जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग गौर से देखिएगा और इस अनुमान लगाइएगा इसका कि यह कितना फीट ऊंचा होगा। ये देखिए अभी और आगे जाना है हम लोगों को, भाई साहब अभी जा रहे हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देखो मेरे पीछे नज़ारा देखो, और ये पूरा श्रेय जो है पुष्पराज भाई को जाता है।
अगर ये हमें नहीं मिले होते तो शायद ही है कि हम यहाँ तक पहुँच पाते और आप लोगों को दिखा पाते। और ऊपर चलते हैं, एकदम ज़बरदस्त जो है सीन जो है मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ थोड़ा और आगे जाके। कैसे जाओगे यार ऊपर? बन जाता है, चलो इससे यहाँ से जाएंगे। रास्ता काफ़ी मुश्किलों भरा है, ये खतरे से खाली नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी चट्टान जो है अगर गलती से नीचे आया तो हम सब नीचे ही जा सकते हैं। लेकिन जो व्यू मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो भी काफ़ी दमदार है, इसलिए मैं भी, हालांकि ये फिसलन भरा जगह है और फिसल रहा है। ये हमारे कहरी सर अभी आ ही रहे हैं। और बीच में काफ़ी बड़ा चट्टान है और इस चट्टान के ठीक सामने बेहद ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम दृश्य वाला, विहंगम दृश्य जिसे कह सकते हैं, वाटरफॉल बनता है। बरसाती वाटरफॉल है, गर्मी में ये आपने आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो नीचे आप देखिए हम कितने ऊपर में हैं, इसके बावजूद लगभग नहीं होगा तो 100 फीट से कम नहीं होगा ये, होगा। तो मैं आप लोगों को एक व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे जहाँ कहरी सर अभी गए हैं। दो यहाँ पे बनता है, एक छोटा और एक बड़ा। वाह 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 कहरी सर वाह। तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाने का कोशिश करूँगा, उत्सुकता है, समय तो कम है, लेकिन भाई साहब मिले हैं, साथ मिला है तो बिल्कुल जाएंगे। और आप लोगों को एक और खूबसूरत सा और पास से जाके मनोरम दृश्य दिखाने वाले हैं। साथ में एक गुफा भी दिखाई दे रहा है छोटा सा, पता नहीं उसमें कोई जानवर ना हो। चलिए देखते हैं आगे जाके। तो यार क्या बताऊँ, कैमरे में वो फील नहीं हो सकता जो यहाँ पे आके देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये शहडोल के आसपास या अनूपपुर के आसपास मैंने ऐसा वाटरफॉल नहीं देखा, ये अनूपपुर ज़िला में उपस्थित है। वाओ, और भाई साहब सीन देखो आप, सीन बंदर भाई को देखो, बंदर भाई को ये देखो। मैं भी अभी जाने वाला हूँ ऐसा ही, ये देखो भाई जा रहा है, मैं भी जाऊँगा, मैं भी बंदर भाई बनता हूँ। यार अरे कहरी सर आ जाओ, ऐसे आ जाओ ऐसे। तो अभी हम लोग आधे में आ गए हैं, मतलब ये काफ़ी ऊपर से गिर रहा है, हम लोग कुछ ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। देखो कहरी सर भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए और पुष्पराज भाई को ज़रूर लाइए, तभी आप इस जगह तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। और ये गुफा है, गुफा, चलो गुफा में चलते हैं। पूरी बाबा ये देखो, ये गुफा नुमा बना हुआ है। और अभी मैं क्या बताऊं आप लोगों को, इतना खतरनाक सीन है। दृश्य दृश्य जबरदस्त दृश्य है, देखो अभी जा रहे हैं ये बंदर लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं भी
अरे यार, और ये देखो बंदर को, देखो 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 बंदर को देखो। बस भाई बस, ज़्यादा दूर मत जाना, बस हो गया। एक स्टेप मैं भी, और ये टॉप फ्लोर है। और ये देखो बहुत ही खूबसूरत लाजवाब वाटरफॉल बनता है, कोई जवाब नहीं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और ये सब हो पाया है पुष्पराज भाई के कारण। तो पुष्पराज भाई के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आप लोग अगर इस वीडियो में इस जगह तक पहुँच पाए हैं तो इन भाई साहब के कारण है पहुँच पाए हैं। तो इनके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा, शेयर भी करिएगा। और चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो घंटी है उसे भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। जितना मेहनत यहाँ तक पहुँचने में लगा है, उतना ही मेहनत और उतना ही खतरा अभी नीचे उतरने में भी है। आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचाई पर हम लोग पहुँच गए हैं, लगभग वाटरफॉल के आधा ऊंचाई जो है अपन चढ़ गए हैं वाटरफॉल पे। और खड़ी चढ़ाई है और पत्थर है, पत्थर भी गिरने का संभावना रहता है, ये देखिए। तो आप लोग अगर ट्रैकिंग पसंद करते हैं, घूमना पसंद है, पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है, तो आप इस जगह पे ज़रूर आइए। काफ़ी खूबसूरत जगह है और अनूपपुर ज़िला में स्थित है, बानाछा वाटरफॉल के नाम से। टोल नाका जो है उसके पास ही बढ़हर के लिए राइट साइड में रास्ता आया हुआ है, उसी रास्ते से आप इस जगह तक पहुंच सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।